हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन थ्रू सैनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड का जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है वो आज हम करके देखेंगे, इसलिए हम लैब में आया। तो पहले जो इसका जो हीमोग्लोबिन सीरीज का वीडियो था वो सैनमेथ हीमोग्लोबिन से कैसे हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते उसका जो थ्योरी पार्ट था वो पहले वीडियो में मैं बता दिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वो जाके देख लेना, ठीक है। आज क्या होगा, आज होगा वो जो सैनमेथ हीमोग्लोबिन के थ्योरी में बताया था कैसे हम कैलोरीमीटर से उसे मेजर करते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आज हम करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और कुछ सीख के जाएं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है, जो सैनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड है कैलोरीमीटर के थ्रू हम मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। फर्स्ट जो सैंपल है, ये एक इंटीरियर सैंपल है पेशेंट का, जिसके अंदर हम होल ब्लड लेंगे ऐसे सैंपल से। सो हम इंटीरियर ब्लड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या लगेगा, हमारा पिपेट लगेगा, ये हम पास्टु पिपेट भी यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोपिपेट भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे माइक्रोपिपेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए माइक्रोपिपेट लगेगा क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है उसे 5 ml लेना पड़ेगा। डॉपिंग सॉल्यूशन मैंने पहले बताया था, और जो सैंपल का अमाउंट है वो 20 μl लेना पड़ेगा। तो 20 μl हम ये जो माइक्रोपिपेट है, वेरिएबल माइक्रोपिपेट, इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन जो पिपेट है उससे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास अब माइक्रोपिपेट है तो मैं माइक्रोपिपेट पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम पहले क्या करेंगे, जो 1 ml का पिपेट है उसके सुटेबल जो माइक्रोटिप है वो एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये जो रिएजन है एक डॉपिंग रिएजन है, ठीक है। ये डॉपिंग रिएजन को हम 5 ml लेंगे पहले। ये जो डॉपिंग रिएजन है ये बोतल से यहाँ पे थोड़ा सा ढल के रखा है सुनने के लिए, यहाँ से हम क्या करेंगे 5 ml लेंगे। ये 1 ml का माइक्रोफिट है, ये हम 5 ml लेंगे। इसके बाद जो है मुझे सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल के अमाउंट क्या था, 20 μl, ठीक है। ये जो इंटीरियर ब्लड है इसे मैंने पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ठीक से, नहीं तो मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जैसे हम 20 μl सैंपल लेंगे, 20 μl सैंपल लेंगे। लेने के बाद जो टिश्यू है, टिश्यू से हम क्या करेंगे, साइड में जो एक्सेस ब्लड है अगर वो रह जाएगी तो वो थोड़ा सा हम पूछ लेंगे। पूछने के बाद क्या करेंगे, वो जो टेस्ट ट्यूब में लिया था मैंने और फिर 20 μl मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करना होगा, तो हम से कट देता है मिक्स, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसी तरह हम पिपेट से इसको मिक्स कर सकते हैं। करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, जो 5 मिनट के लिए इंक्यूबेशन था वो इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गया। आप उस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलोरीमीटर में प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये जो कैलोरीमीटर है ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो फिल्टर है वो 55 है, 520 का फिक्स है, और जो 0 है ये कोई जो मैंने प्रोसेस बताया था कि हमें डॉपिंग सॉल्यूशन लेकर वो 0 करना पड़ेगा, पर ये पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन में अंदर ऑटो 0 को एक ऑप्शन है। हम जब ऑटो 0 पे प्रेस करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली 0 में सेट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मुझे यार डॉपिंग सॉल्यूशन चला के 0 नहीं करना पड़ेगा, ऑटो 0 में प्रेस करने के बाद ये 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मेरा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को जो
फॉर्मोलीटर प्रीपेड है वो आपको मैं ट्रांसफर करूँगी। ये जो मार्कर है डॉक्टर लेना होगा, लेके क्या करना पड़ेगा, ये जो दाग है ये दाग को इस तरह से जाके ये इनपुट कर देंगे। ठीक है, इनपुट करने के बाद देखो हमारा एब्जॉर्बेंस आ गया, वो कितना है 0.27, और इसका कोई काम नहीं है, 0.27 आ गया। इसे निकल के हम डिस्कट कर देंगे, जो जॉब है ये पे डिस्कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो 0.27 मेरा एब्जॉर्बेंस आया उसका थ्रू मैं क्या बताया था, जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन में हम वो जो एब्जॉर्बेंस है उसको यूज़ करके हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड क्या है, मेरा जो कॉलोमीटर की एब्जॉर्बेंस है वो 0.27 आया। अब क्या करना पड़ेगा, जो हीमोग्लोबिन का जो लॉ था या जो थ्योरी था जिसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं अननोन हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या था, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ओडी टेस्ट बाय ओडी स्टैंडर्ड इनटू वो मल्टीप्लाई जो स्टैंडर्ड का जो रेंज है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओडी स्टैंडर्ड है वो तो हम लिटरेचर से पता चल गया 0.31 है, और जो रेंज है स्टैंडर्ड का हीमोग्लोबिन है जो 15.061 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, जो सैंपल का ओडी है वो यहाँ पे हम बैठा दिया। ठीक है, इसे बैठाने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, ओपन करने के बाद 0.27 डिवाइडेड बाई 0.31 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 15.061। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आया 13.11। ठीक है, 13.11 ये जो मेरा रिजल्ट आया ये है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन। ये पे जो एक बार पैरामीटर है ग्राम पर डीएल जो पैरामीटर है वो हम यूज़ कर देंगे। तो मेरा जो सैंपल था इस सैंपल का जो हीमोग्लोबिन है उसका रेंज है 13.11 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग देख लिया कि जो सैनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड था उस मेथड को जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था कॉलोमीटर के थ्रू हम एब्जॉर्बेंस मेजर कर लिया। एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद हम हीमोग्लोबिन का जो रेंज है पेशेंट का वो भी हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलोमीटर को यूज करके अननोन कोई सैंपल के हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पता कर सकते हैं। ये था हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन थ्रू सैनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था, इसका जो थ्योरी है वो पहले एपिसोड में मैं बोल दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद जो मुझे बोलना है कि जो मैंने पहले दिन भी बताया था एक हीमोग्लोबिन का सीरीज आएगा, तो सैनमिथ हीमोग्लोबिन हो गया, इसके बाद ऑक्सीहीमोग्लोबिन आएगा, फिर पोर्टेबल हीमोग्लोबिन मीटर पे आएगा, सेमी ऑटो एनालाइजर पे आएगा, जिसके थ्रू हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो एक सीरीज आएगा, तो वो सीरीज को आप देखना चाहती है या फॉलो करना चाहती है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो सीरीज आ जाएगा, आपको वीडियो का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी तरह का जो और दूसरा मेथड है उस मेथड से हम कैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं वो आप देख सकती है मेरे थ्रू, मेरा चैनल के थ्रू, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है।